दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में करीब करीब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे आखिर बनते कैसे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायमंड्स यानी हीरे कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र रहा है और रोमन लोगों की धारणा थी कि हीरे जैसे पदार्थ भगवान के आंसू हुआ करते थे। 1700 के दशक के बाद से ही भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक नहीं रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्व के पहले हीरे की खोज आज से करीब 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र यानी आज का हैदराबाद में नदी के किनारे चमकदार रेत में से हुई थी। पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है और इस काम के कारण दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हीरा किस चीज से बनता है? हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, यानी बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। तो इससे यह तो पता लगता है कि हीरा 100% कार्बन से बनता है। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है एवं सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। और हीरा इतना मजबूत क्यों होता है? हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ये बहुत कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसहयोगी बंध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। और हीरे कई आकार के होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आखिर हीरा कहाँ बनता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में हीरे बनते हैं और इसके बाद ज्वालामुखियों की गतिविधियां उन्हें ऊपर की ओर लाती हैं। और दूसरा, ग्रहों या पिंडों की टक्कर से भी हीरे मिलते हैं। हीरे पृथ्वी की अथाह गहराइयों में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पदार्थ में बदल जाते हैं। सीधे शब्दों में हीरा कोयले का ही एक रूप है। कोयला जमीन की अथाह गहराई में लाखों साल के प्रोसेस से गुजरकर हीरे का रूप ले लेता है। कैसे करें असली हीरे की पहचान? अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। प्राकृतिक हीरो और फैक्ट्री में बनाए गए हीरो के बीच फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है। केवल एक खास उपकरण से ही असली हीरे की पहचान होती है। हालांकि कुछ बेसिक तरीकों से भी असली हीरे की पहचान की जा सकती है। असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से सामान्य दिखता है। असली हीरे में कुछ न कुछ खांचे होते हैं जो 1200 गुना ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप हीरे को अखबार पर रखें और उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको टेढ़ी लकीरें दिखें तो इसका मतलब है कि आपका हीरा नकली है। नंबर 2, अगर आप हीरे को पराबैंगनी किरणों में देखेंगे तो यदि वह हीरा नीली रोशनी के साथ चमकता है तो हीरा असली है, परंतु हीरे से हल्की पीली, हरी या स्लेटी रंग की आभा निकले तो समझ लीजिए ये मोइसानाइट है। ये भी माना जाता है कि असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली हीरा पानी में तैरता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या हीरे को बनाया भी जा सकता है? कहते हैं कि भुनी हुई मूंगफली को पीसकर बनाए गए पेस्ट का इस्तेमाल, जिसे पीनट बटर कहते हैं, इस पेस्ट को धरती की सतह से 800 या 900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो यह क्रिस्टल की आणविक रचना में बदल जाती है और वह पेस्ट हीरे में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी विधि, हीरा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारासोटा इलाके में बनाया जाता है। यहाँ हीरो की खेती होती है। हीरे के एक छोटे से टुकड़े को बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के टुकड़े को एक ग्रोथ चैम्बर में डाला जाता है। फिर इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। इस रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल पृथ्वी के गर्भ जैसा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस और 5000 एटमोस्फियर के दबाव में ग्रेनाइट हीरा बनने लगता है। इस विधि से हीरा बनने में 82 घंटे लगते हैं। इतने समय में और इस प्रोसेस से कच्चा हीरा बन जाता है। इसे एसिड के घोल में डालकर अलग किया जाता है। भारत में पन्ना और बुंदर परियोजना, मध्य प्रदेश और कोलूर खान, गोलखांडा, आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं।
गोलकोंडा की प्रसिद्ध खदान से ही कोहिनूर नाम का विश्व प्रसिद्ध हीरा निकला था, जो कि आजकल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भारत से ही गोलकोंडा आंध्र प्रदेश से ही निकला था, जो अब हमारे पास नहीं है। वैसे कायदे में तो कोहिनूर भारत के पास ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी सब तक जा सके। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।